मुझे 100 करोड़ रुपए मिल गए कहीं से और फिर मैं उन 100 करोड़ रुपयों को ना इकट्ठा कर रहा था। ये अच्छी ग्रोथ कर रही है टचवर्ड। ये देख रहे छोटे वाले भी आने लगी इनके साथ। और ये रही वो हमारे ब्रैकिश वाटर की फिश। दे दे और वो देखना 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 देख ये तेरा देख। और ये रुक जा एक मिनट। ये हरकत है, इन्हें छोड़ना पड़ेगा थोर। तूने जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है तेरे ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। कैसे हो आप सब लोग? भाई मैं ठीक हूँ, आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसे हो। आई होप कि आप लोग बिल्कुल सही हो गए। चलो आज मैं बहुत लेट उठा हूँ, 12 बज गए 12 दिन के। बट मैं आप लोगों को बताऊँ मैं लेट क्यों उठा हूँ। मुझे ना एक सपना आ रहा था कि मुझे 100 करोड़ रुपए मिल गए कहीं से और फिर मैं उन 100 करोड़ रुपयों को ना इकट्ठा कर रहा था एक जगह कि ढंग से कर लूँ। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि इनकम टैक्स नहीं देऊंगा, मैं देता। बट मैं वो एक बार पकड़ सारे एक जगह रख रहा था तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। इस चक्कर में मेरे को 12 बज गए उठते उठते तो चलो आपको दिखाता हूँ अभी सुबह उठते मैं क्या कर रहा हूँ। अपना टैंक देखो भाई, सुंदर टैंक। ये हमारी ओस्कर है, ये हमारी सारी चिकलेट्स, हमारे पैरट। और जो ये वाली फिश है ना, ये वाली ये ना ब्रैकिश वाटर की फिश है, ब्रैकिश वाटर। और आप लोगों को 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ। मैं रिसर्च से कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च तो क्या। तो ये देखो भाई, आपको पता है आपने इंडिया में टोटल कितने फिशेज हैं? 2508 फिशेज है इंडिया के अंदर, जिसमें से फ्रेश वाटर की 877 फिशेज है। ये सारी ना एंडेमिक फिशेज है, मतलब नेटिव जो यहाँ पे ही मिलती है, अपने इंडिया की जो स्पीशीज है, एक्सोटिक नहीं है ये। तो इनमें से 877 फ्रेश वाटर फिशेज है और जिसमें से 450 स्मॉल साइज की है। मरीन वाटर फिशेज है 1518 और ये रहा ब्रैकिश वाटर, ये है अपनी 113। इनमें से एक टाइप की फिश अपने एक्वेरियम में है जो कि है ये वाली, जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। कहाँ गई वो बांध रही? ये पता नहीं यहाँ पे क्यों ब्लर हो रहे हैं। हाँ अब ठीक हो गया। कैसी लग रही है? ये भी एक ना इंडियन चिकलेट है। इस टैंक में सारे चिकलेट्स हैं। तो ये भी एक इंडियन चिकलेट है। बस ये जो पीछे आपको 2 दिख रही है ना, ये वाली, ये चिकलेट्स नहीं है। ये आप लोग बताना कौन सी है। और हाँ, एक और सबसे बढ़िया बात, मैंने आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हॉबी मतलब प्रैक्टिस करने वाली हॉबी कौन सी है? वो है फोटोग्राफी। और जो सेकंड नंबर पे पूरी दुनिया में प्रैक्टिस करने वाली हॉबी है वो है एक्वेरियम रखना। ये देखो, एक्वेरियम कीपिंग इज द सेकंड लार्जेस्ट हॉबी नेक्स्ट टू फोटोग्राफी। सो अच्छी चीजें हैं। आप लोगों को हर दिन नई चीजें सीखने को मिलेगी आपको, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। और हमारा वो वाला मगरमच्छ वो पीछे बैठे उन पत्थर के बीच में, दिख रहा हो तो आपको। अरे तू कहाँ पे आ गया मेरा पैरेट? लेकिन तो प्यारी सी है ना, वो पीछे है देखो, वहाँ पे। अभी मैं इनको खाना दे रहा था, खाना देता हूँ फिर अपना व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। मैं इनको 3 तरह से खाना देता हूँ। ये ऐसे क्रश करके, क्रश करने से क्या होता है, आजकल मेरी जो ये है ना, कौन सी, ये देखो ये वाली, ये सक्कर कैट, ये पूरी तेज हो रही है। इनको पता है खाना आ रहा है। ये देखो मैं ये डाल दिया। अब देखना ये मेरी सक्कर कैट जो है ना, ये भी खाना खाने आती है, पूरी तेज हो रही है। ये देखो, नहीं सक्कर कैट ना खाती नहीं है ज्यादातर, मतलब ज्यादा जल्दी, बट ये आती है। देखो आ गई ना, देखो 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 देखो, ये बहुत अच्छी चीज है। ये मेरी बिल्कुल सही हो रही है, तभी ये अच्छी ग्रोथ कर रही है टचवर्ड। ये देख रहे छोटे वाली भी आने लगी इनके साथ। और ये रही वो हमारे ब्रैकिश वाटर की फिश। अब आप लोग पूछोगे कई लोग कि ब्रैकिश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर तो पता ही होगा, मीठा पानी, ठीक है, जो हम पीते हैं। मरीन वाटर जो समुद्र का पानी होता है, सॉल्टी होता है ना जो। और ब्रैकिश होता है जहाँ पे, जो एक रीजन होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर खारे पानी मतलब मरीन वाटर से मिलता है, एक रीजन बन जाता है। क्योंकि आपको पता ही है सारी नदियाँ समुद्र में जाके मिलती है। तो यहाँ से जैसे एग्जांपल है, ये नदी आ रही है और यहाँ समुद्र है, तो जो ये जो रीजन होगा ना, ये थोड़ा मीठा पानी होगा और थोड़ा खारा पानी होगा। तो इस रीजन को कहते हैं ब्रैकिश वाटर। तो कई सारे हैं, जैसे मैनग्रूव्स है अपने, है ना, सुंदरबंस। तो वहाँ ब्रैकिश वाटर है, तो ऐसी जगह है। बट ये सुंदरवंश में नहीं मिलती मछली अपने वाली, ये मिलती है इस साइड गुजरात वगैरह वाली साइड, ठीक है। तो आज ज़्यादा नॉलेज होगी पर कोई नहीं, खाना दे देते हैं इनको और फिर हम अपने थोरू के पास चलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने खुशखबरी तो देख ही ली होगी ब्लॉग में, खुशखबरी नहीं खुशखबरी। तो हम थोर के साथ बैठ के फिर आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं। चलो ये क्या कर रहे हैं, एक प्रेमी जोड़ा, मम्मी पापा खुशखबरी बता दो। थोर बाप बनने वाला, आपको नहीं पता? तू दादा बना, मैं तो भाई हूँ इसका। फोन गिरा दिया, देख सकते हो भाई आप लोगों ने, अभी कैमरा देखा होगा, बढ़िया ये एंगल आया होगा, पता नहीं क्या ये उड़ के कैमरा यहाँ गिर गया। और इसको देखो क्या कर रहे हैं, देखो देखना, हाँ हाँ हाँ, इसको प्यार कराना आता है, इसको पता है कि कैसे प्यार करना है। बड़ी अच्छी बात है, हमारा बेटा जवान हो गया है, हमारी मटकी जवान हो गई है, थोड़े के बच्चे होने वाले भाई। और यूं भी नहीं, एक नहीं दो फीमेल से, सो पर पहले होने वाले 20-25 दिनों में होते ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उन छोटे छोटे बच्चे, खुशखबरी। और मैं ये अपडेट इसलिए देना चाह रहा हूँ, देखना थोरू बाप बनने वाला और क्या हरकत है इसकी, देखना मम्मी, देखना इसकी मम्मी। और ऐसे बैठे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मुझे निकालिए, सब से निकाल दे बेटा, इसके एक्सप्रेशन देखना लोगों आप, मुझे निकालिए, खींच दे नीचे, दिखाना खींच, छोड़ थोरो थोरो दे दे बेटा, पापा मारेंगे, दे दे थोरो, निकालिए, देखना 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 देखना, देख ये तेरे, देख देख, और ये रुक जा, एक मिनट में दे दे, ये हरकत है, इन्हें छोड़ना पड़ेगा थोर, तूने जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है तेरे ऊपर, जिम्मेदारी बढ़े तारी मेरी भी बढ़े, क्यों जिम्मेदारी बढ़ेगी तुम्हारी, कैसे देख रहा, मैं तो बस तो बच्चा हूँ, ऐसे ही रहूंगा। तो दोस्तों मैं ये इसलिए अपडेट दे रहा था कि बीच में मैंने पहले बोल रहा था कि मतलब थोर के वो वीडियो डाली थी ना कि भाई बच्चे होने वाले हैं, तो मैं सोचा कि भाई पक्का हो गया है, साइंस आ गया है, तो मैं क्या क्यों ना आप लोगों को एक अपडेट दे दूं। और अपडेट देना भी ज़रूरी है, कई बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं भाई जो फैमिली है जो यूँ कह रहे हैं हमें थोर का बच्चा ही चाहिए, थोर का बच्चा चाहिए, तो उनको भी पता चल जाए कि हाँ भाई है, आ रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, कहीं रुकना है तो आप रुक जाओ, जिसको लेना ही है, कहीं कोई और उठा ले आए बच्चा, तो अगर इसका ही लेना है तो हाँ चल रहा है प्रोसेस, मैक्सिमम महीने के अंदर या 20 से 25 दिन में इसके बच्चे हो जाएंगे। और होते ही मैं सबसे पहले अपना कैमरा ले जाऊंगा वहाँ पे और आपको शूट करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कितने बच्चे हुए हैं प्यारे प्यारे से, ठीक है। देखो कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं यार, नहीं बेटू अच्छी बेटी है ना तो। और हेला से और मिला देता हूँ मैं आपको, हेला भी नाएगी भाई, हेला नाएगी क्या? वो देख कहाँ बैठी है, ये देखो भाई। और भाई एक और बात, कई लोग मुझे कह रहे थे ना, आप लोग पूछ रहे खुशी का है, खुशी का है। देखो मैंने आप लोगों को मेंशन करा था ना ये बात, अभी भी हमारे घर में एक ट्रेजेडी हो गई है, जो मेरे व्लॉग लाइव देख रहे हैं, इससे पहले वाला व्लॉग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सो हम घर पे ही नहीं है, ये और थोर तो फिर भी मतलब इनको तो रहना आ गया है घर में अकेला, सिर्फ आदित्य आंटी जी देख लेते हैं, वो खाना दे देते हैं, उनके साथ थोड़ी देर रह जाते हैं। बट खुशी बेचारी आप सबको पता है कि कितनी एक्टिव है वो। सो मेरा दूसरा घर है सुमित के पास, तो सुमित के घर पे उनकी रिश्तेदारी में एक छोटे छोटे बच्चे हैं कई सारे, तो वो उनके घर पे ही रहती है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए हमने वो वहाँ रखी हुई है। पहले तो मैं बाहर गया था तो वहाँ गई हुई थी, सो उसके बाद जब मैं आया तो ये बात होगी, तो इस चक्कर में हम घर पे है ही नहीं। आज मैंने व्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ, आज मैं 2 व्लॉग शूट कर लूँगा ताकि आप लोगों को तो मतलब कि मैं अपडेट देता रहूँ, इसलिए ये छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगी। और ये मुझे पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को बताना कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हो भाई मेरे साथ, तो इसलिए सिर्फ इसलिए आप लोग देख भी रहोगे 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है व्लॉग। सो यही रीज़न है। अब मैं वहीं, अब इसके बाद मेरे को वहीं जाना पड़ेगा बुआ जी और के पास, सो समझो आप लोग, ठीक है। तो बार बार अब यूँ मत कहना खुशी का है, खुशी बिल्कुल सही है, उसकी वैक्सीनेशन हो गई है दूसरे वाली और वो बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है और दूसरे पपीज़ के साथ वो खेलती रहती है। तो मेरी है ना, जब मैंने उसका नाम खुशी रखा तो इसका मतलब मुझे पता है ना कि मुझे वो सही होनी चाहिए। और ये तो आप सबको पता है कितनी तूफान है वो, तो इसलिए वो अकेली नहीं रह सकती ना। सो और इनको आदत है, तो इस वजह से ये रीज़न है, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। तो वो बिल्कुल सही है, आप लोग व्लॉग एंजॉय करो, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, इसके इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है भाई। और हाँ, थोरू के बच्चे हो गए हैं, मतलब होने वाले हैं मानो। तो अब जिसको चाहिए तो मैं जब बच्चे हो जाएंगे तो मैं आपको एक नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, आप उस बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है कि क्या प्राइस होगा क्या नहीं, बट हाँ थोर से तो ऊपर ही होगा, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ आपको, बट क्योंकि वही चीज़ है ना। चलो इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग में मिलेंगे। सो होप करता हूँ आप लोग कोऑपरेट करोगे जो सिचुएशन चल रही है उसके साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय।